अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती है रेखा। रेखा मांग में सिंदूर भरती है और इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है कि वे किसके नाम पर यह काम करती है। दबी जुबा में अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है। यह नाम खुलकर ले लिया है पुनीत इस्सर की पत्नी ने। उनका कहना है कि अमिताभ के नाम का सिंदूर रेखा अपनी मांग में भरती है। यह बात उन्होंने एक मैगजीन से बातचीत में कही। गौरतलब है कि पुनीता से रेखा नाराज हैं। पुनीत ने बिग बॉस में हिस्सा लिया था। शो के दौरान रेखा अपनी फिल्म सुपर नानी का प्रचार करने पहुंची तो पुनीत से उन्होंने बात तक नहीं की। रेखा का यह व्यवहार देख पुनीत दूर खड़े हो गए। रेखा का यह बर्ताव पुनीत की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी में पुनीत विलेन बन गए थे। कूली के सेट पर अमिताभ जिस फाइट सीन में घायल हुए थे उसमें अमिताभ और पुनीत ही फाइटिंग कर रहे थे। हालांकि पुनीत की गलती नहीं थी लेकिन उनके मुक्के से ही अमिताभ को टेबल लगी थी। लंबे समय तक उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया। उस समय अमिताभ और रेखा के बीच जोरदार प्रेम चल रहा था और वे शादी करने के मूड में थे। अचानक अमिताभ का एक्सीडेंट हो गया। पत्नी जया ने बिग बी की खूब सेवा की। ठीक होने के बाद रेखा से अमिताभ ने संबंध खत्म कर लिए। बेचारे पुनीत न चाहते हुए भी रेखा की नजरों में विलेन बन गए। रेखा अभी तक उस घटना को भूली नहीं है।